बहुत ही थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था और ठंड थोड़ा पड़ रहा है, तो ठंड के मौसम में दर्द भी बहुत होता है। तो चलिए, और अभी घड़ी में बज रहे हैं 11। तो चलिए, आदित्य गया है इडली बड़ा लेने के लिए, तो देखती हूँ इडली बड़ा लेके आए तब नाश्ता करती हूँ। फिर आज चिकन बनाना है, तो चिकन लेने भी गया है, तो चिकन आने से चिकन पकाऊंगी, वो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी। और आज ज़्यादा काम नहीं है, और थोड़ा बर्तन है उसको मांजना है, तो चलिए उसको घिस के थोड़ा साफ सफाई करके आती हूँ। और घर में भी झाड़ू देना है, और ठंड के मौसम अच्छा लगता है, लेकिन ठंड के मौसम में ना शरीर में दर्द बहुत होता है, तो और रात में सोने में इतना तकलीफ होता है, कभी गर्मी कभी ठंड, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो भी हो, आप लोग साथ बने रहिए, फिर आती हूँ। अभी थोड़ा बर्तन ही धो रही थी, मैंने सोचा कि ब्लॉग आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर देती हूँ। और रोड के ऊपर घर है ना, तो बहुत सारा बाइक जाता है यहाँ। तो चलिए जो भी है, और ब्लॉग शेयर करना अच्छा लगता है, इसलिए ही शेयर कर पा रही हूँ। और कभी कभार तो इतना मन डाल होता है कि चलो बंद कर देती हूँ, और कभी कभार लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ तो बात हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल ही अकेला महसूस होता है। तो चलिए, बने रहिए, देखते रहिए आज का ब्लॉग। तो इडली बड़ा नहीं चले एसेछे, তো গাইস মা বলেছিল চারটে আনতে, এ আমি তিনটে আনতে, আমি চারটে এনেছি। আমার এত খেতে ইচ্ছা করে না, যেটা ইচ্ছা করে আমি একটু ইডলি নে। চলো গাইস, চলো সকালবেলার ব্রেকফাস্ট আমরা এখন করছি। বুঝলি বলে सुबह सुबह इडली वड़ा खाने के बाद मैं किचन में चली आई हूँ। इधर देखिए, आलू छील के उबाल लिया है आलू को, थोड़ा उबाल के आलू का जो पानी है वो मैंने फेंक दिया है, तो अभी इसको थोड़ा फ्राई करना है। और इधर चिकन लेके आए थे आदित्य, तो इसमें लहसुन के कली गोटा भी दिया है और छिलके भी दिया है। तो इधर अंडा उबल के ले रही हूँ, आज अंडा चिकन बनाना है मुझे, पहली बार रेसिपी कर रही हूँ। तो इधर ले लिया प्याज पेस्ट, टमेटो, हरी मिर्च, अदरक और हल्दी, जीरा, सूखी मिर्च, काला मिर्च, और इधर गरम मसाला गोटा, तेजपत्ता, और इधर शाही जीरा भी है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज अंडा चिकन। पहले मैं कढ़ाई में कढ़ाई बिठा दिया, और कढ़ाई में तेल और घी दे दिया। आज थोड़ा घी देना था मुझे फ्लेवर के लिए, तो इसमें खड़ी मसाला दे दिया, गोटा मसाला जिसको बोलते हैं, तो उसको देने के बाद मैंने दे दिया लहसुन की कली के साथ चिकन भी। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके मैं पकाऊंगी, तो थोड़ा सा फ्राई किया, और अभी इसके अंदर जाएगी मसाला, और मैं आलू को भूनूंगी तो दूसरी तरफ। तो मेरा चिकन भुन गया है, अभी इसके अंदर दे दिया सारे मसाला, हरी मिर्च, अदरक पेस्ट, सब टमेटो, प्याज,
लहसुन की कली और थोड़ा बहुत गुड़ा मसाला भी दे दिया, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक भी दूंगी। तो पहले थोड़ा इसको मिला लेते हैं और दूसरी तरफ मैं ये देखिए बोलते बोलते इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक भी दे देती हूँ। तो इसको थोड़ा धीमी आंच पे मैं बिठा दिया था और उधर दूसरी तरफ मैं आलू अंडे को भूनूंगी। तो देखते रहिए और ये देखिए बोलते बोलते मैं आलू को भून गई हूँ। तो आलू थोड़ा उबाल लिया था इसलिए थोड़ा सा भून के मैं चिकन के अंदर दे दूँगी और अंडा भी भून के ही दूँगी। तो आज पहली बार मेरा किचन में मैं अंडा चिकन बना रही हूँ, क्योंकि आदित्य का अंडा खाने का बहुत ही अच्छा लगता है और वो जो जिम कर रहा है इसलिए उसको अंडा चाहिए दो। तो सुबह इडली वड़ा खाए थे तो इसने खाया नहीं, तो मैंने बोला चलो आज अंडा चिकन बना देती हूँ, तुम चिकन भी खा लेना अंडा भी खा लेना। तो बोला मम्मी ठीक है। तो चलिए देखते रहिए और बहुत ही टेस्टी हुआ था। मैं सोची थी आप लोगों के साथ बोलूँगी खाने के बाद, लेकिन तब मैं बोल नहीं पाया, अब मैं बोल देती हूँ कि बहुत ही टेस्टी हुआ था। अब भी जल्दी से ऐसा खाना बना के खाइए। और सबसे बड़ी बात है अंडा चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ मैं ना कभी कभी सोचती थी कि होटल में जाके लोगों ने देखती थी अंडा खाते हैं चिकन खाते सब एक साथ खाते हैं, हम कभी खाए नहीं यार, घर में भी ज़्यादा नहीं बनाया। हाँ बिरयानी के साथ खाते हैं ये तो होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंडा चिकन एक साथ पका के खाना भी अच्छा लगता है। तो आज खाया बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो गोटा वाला लहसुन के काली मैंने दिया है ना, इसका खाने से आपका शरीर भी अच्छा रहता है। ठंड के मौसम में जो शरीर में दर्द होता है तो मैंने सुना कि लहसुन की काली खाने से अच्छा होता है। तो ये बोलते बोलते अंडा भून के उसके अंदर पानी दे के गर्म कर रही हूँ और इधर मेरा चिकन भी भून गया है, अभी इसको डाल दूंगी। तो आप लोग आप लोगों को यही बोलना था कि प्लीज़ एक बार बना के खाइए और देखिए कितना मज़ा आता है। और मैं आज यही बनाया था क्योंकि मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं था और खाना ज़्यादा नहीं पकाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ दिन से बहुत सारा सब्जी खा लिया। तो मैंने सोचा आज मन भर के अंडा चिकन से ही भात चावल खाऊंगी, और ज़्यादा कुछ करने से ना चावल भी ज़्यादा खाना पड़ता है, तो इसलिए कि आइटम ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं और मुझे फिर एक बार से आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग प्लीज़ बना के खाइए, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो और शाम को कुछ करना है या नहीं मुझे मालूम नहीं, चाय तो पीऊँगी ये तो जरूर है। तो चलिए आज यहीं तक और बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोगों अच्छा रहिए, सबको अच्छे से रखिए और प्लीज़ ब्लॉग देखते रहिए और ब्लॉग देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, अच्छा लगे तो। बाय, और क्या बताऊँ, तो फिर मिलेंगे नई ब्लॉग्स के साथ। चलिए बाय बाय। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अंडा चिकन प्लीज़ कमेंट करके बताना।
তো গাইস আমার এখানে লেগ পিস পড়েছে না দেখিস তো বাহ দেখো ইয়ে কলা কলা নিয়েছি ঠিক আছে ঠিক তাহলে এখন এগুলোই খাচ্ছি গাইস চলো খেয়ে নিই আর মার দিতে পারো তুমি না না না